मॉर्निंग एवरीवन, यस नो अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर स्वस्थ हैं और अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसी कामना के साथ आज हम पुनः अपना एक नया पाठ आरंभ करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में नसरुद्दीन का गधा इस किस्से को पढ़ा था और हमने ये जाना था कि अपनी सूझबूझ के द्वारा और अपनी वाक चतुराई के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा आप किसी भी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं, ये किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसी पाठ के आधार पर पुस्तक में दिए हुए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और उनका उत्तर उसमें लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी अपनी मयूर पंख हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। पेज नंबर 96 और 97 हम लोग ओपन करेंगे और अपनी पेंसिल अच्छे से शॉर्प कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ सुंदर लेखन में कार्य कर सकें। तो सबसे पहले हमें अपने इस कार्य में देखिए क्या दिया है, श्रुतलेख। जैसे कि आप सबको पता है कि श्रुतलेख का कार्य हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। तो हम अभ्यास प्रश्न दो पर जाते हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए। हर बार हम लोग क्या करते हैं, पहले वाक्य को पढ़ेंगे और फिर उसके लिए दिए गए जो तीन विकल्प हैं उसमें से सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, पहला वाक्य देखिए हमें दिया गया है, क वाला, विद्वान इस देश से आया था। हमारे पाठ के आरंभ में हमने पढ़ा था कि वह किस देश से आया था, चीन, जापान या अमेरिका। तो हमारा जो विद्वान था वह चीन देश से आया था। तो अ वाले विकल्प को सही का निशान लगा दीजिए। तत्पश्चात ख वाला प्रश्न, विद्वान ने कितने प्रश्न पूछे थे, एक, दो या तीन। और हम सब जानते हैं उसने तीन प्रश्न पूछे थे, इसलिए स वाला विकल्प हमारा सही है। तो उस पर सही का निशान लगा दीजिए। अगर हम पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं, पुनः पुनः जब उसका अभ्यास करते हैं तो उसकी प्रत्येक बात हमारे मस्तिष्क में अच्छे से अंकित हो जाती है और तब उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना आसान होता है। तीसरा ग वाला हमें वाक्य दिया है कि सवालों के जवाब दिए थे। इतना बड़ा दरबार लगा था, इतने सारे मंत्री थे, बादशाह स्वयं थे, तो आखिर उस विद्वान के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था, अ बादशाह ने, नहीं पहरेदार ने, नहीं तो फिर किसने दिया था। एक विकल्प हमें दिया है मुल्ला नसरुद्दीन ने। तो ब वाले विकल्प को आप सही का निशान लगा दीजिए। अंतिम वाक्य है घ, मुल्ला नसरुद्दीन इस पर सवार होकर आए थे। जब मुल्ला नसरुद्दीन को पहरेदार बुलाकर लाए थे तो वे दरबार में किस पर बैठकर आए थे, पहला घोड़े पर, घोड़े पर तो नहीं आए थे, घोड़े पर तो बादशाह की सवारी निकल दिए, हाथी पर, हाथी तो राजमहल के अंदर तक आ ही नहीं पाया। तो मुल्ला नसरुद्दीन की पहचान क्या था, उनका गधा। तो हमारा अ वाला विकल्प जो है वह सही है, उस पे सही का निशान लगा दीजिए। इसके बाद में हमें बेटा कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए हैं, चूंकि मौखिक हैं तो इनका उत्तर भी हम कैसे देंगे, मौखिक रूप में देंगे। बहुत सरल सरल से प्रश्न है, जैसे बादशाह किन के साथ बैठे थे, जब वह चीन से आया हुआ विद्वान आया था तो उस समय बादशाह किन के साथ बैठे थे, बादशाह अपने मंत्री और दरबारियों के साथ बैठे थे। बादशाह विद्वान की कौन सी बात सुनकर फूले नहीं समाए, आखिर उस विद्वान ने ऐसा क्या कहा या क्या पूछा था कि जिससे बादशाह बहुत प्रसन्न हुए थे। तो हमने इस पाठ के आरंभ में पढ़ा था कि जब विद्वान ने बादशाह के दरबारियों की प्रशंसा की थी उसे सुनकर वह फूले नहीं समाए थे। विद्वान ने कितने सवाल पूछे, सरल रूप से विद्वान ने तीन सवाल पूछे। बादशाह ने जवाब देने के लिए किसे बुलवाया था, ज
बादशाह ने जवाब देने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवाया। और सबसे मुख्य बात, सारे सवाल किसमें छिपे हुए थे? जब नसरुद्दीन को बुलाया गया और उस विद्वान ने उनसे वो प्रश्न पूछे, तो नसरुद्दीन ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह से निकाल कर दिए। तो आखिर किसमें छुपे थे? याद कीजिए, पहला प्रश्न था कि आसमान में कितने तारे हैं, है ना? तो इसका भी उत्तर उन्होंने क्या निकाला था? जितना कि मेरे गधे के शरीर पर रोए हैं। और उससे भी पहले उन्होंने ये पूछा कि आखिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तब भी उन्होंने अपने गधे का ही उत्तर दिया कि इसके पिछले पाँव में, जो दाहिना वाला पाँव है, बिल्कुल उसके नीचे ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तीसरा सवाल जब पूछा गया था कि विद्वान ने पूछा था कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, तब भी उत्तर यही था, जितने इस गधे की पूंछ में बाल हैं उतने ही बाल आपकी दाढ़ी में हैं। यानी सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ छुपे हुए थे? उस गधे में थे। तो ये तो हुआ हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। इसके पश्चात है हमारा रिक्त स्थान पिटक। रिक्त स्थान के लिए हमें प्रत्येक वाक्य या जो रिक्त स्थान वाला वाक्य दिया उसके समक्ष दो दो ऑप्शन दिए और उसमें से हमें सही वाला विकल्प चूज करना है। तो आपके दरबारियों की रिक्त स्थान के बहुत किस्से सुने हैं। किसके किस्से सुने हैं? बहादुरी के या बुद्धिमत्ता के? याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था? बुद्धिमत्ता, यानी कि उनकी चतुराई के, उनकी बुद्धिमानी के। ख वाला वाक्य, आकाश में कुल कितने चांद हैं या कुल कितने तारे हैं? सही शब्द हमारे रिक्त स्थान में तारे आएगा। तीसरा रिक्त स्थान देखिए बेटा, मुल्ला ने अपने हाथ की रिक्त स्थान अपने गधे के दोनों ओर घुमाई। अब चूंकि यहाँ विकल्प में आपको छड़ी और घड़ी दिया है, आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे मैम वहां तो लाठी लिखा था, पर लाठी और छड़ी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है बेटा। लाठी थोड़ी मोटी होती है, छड़ी थोड़ी पतली होती है, लेकिन चूंकि पुस्तक में दिया है तो घड़ी तो वहां पर हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही उत्तर क्या बचता है? छड़ी। कभी कभी प्रिंटिंग में गलती हो जाती है तो हम उसे सुधार लेते हैं। घ, अपने गधे के रिक्त स्थान आपने कब गिने? कान कब गिने या रोए कब गिने? कान तो दो ही होते, उसे ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा सही रिक्त स्थान क्या है? रोए। अंतिम रिक्त स्थान, मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान के रिक्त स्थान की ओर हाथ बढ़ाया। किसकी ओर? पगड़ी। पगड़ी तो वो पहना ही नहीं था, उसकी दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया था। उसका अंतिम प्रश्न था ना, कितने बाल है? तूने कहा ठीक है, गधे की पूछ के बाल भी तोड़ते जाते और आपकी दाढ़ी के निकालते जाते और गिन लेते हैं, और इसके लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया था। तो आप जल्दी से इस कार्य को अपनी पुस्तक में लिख लीजिए, फिर हम अपना अगला वाला कार्य आरंभ करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने पाठ की भाषा की समझ, भाषा की समझ आप लोग अच्छे से जानते हैं, भाषा की समझ किसे कहते हैं? पाठ में आए हुए व्याकरणगत जो प्रश्न है वे हमें दिए गए हैं, और इसमें देखिए आपको सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है पीले रंग का, देखिए चौखाना दिया है जिसमें कुछ वर्ण अलग अलग तोड़ कर लिखे गए हैं, और उन वर्णों को हमें क्या करना है बेटा कि जोड़कर देखना है, और जो शब्द हमें दिए हैं उनके समानार्थी उसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो हमें कुल 6 शब्द दिए हैं जिनके समानार्थी हमें उस पीले रंग के चौखाने में से ढूंढना है बेटा। तो पहला हमें दिया गया है
बादशाह का समानार्थी हमें इस चौखाने में दिखाई दे रहा है राजा, क्या हो जाएगा? राजा। ख वाला शब्द हमें दिया है मायूस। मायूस का एक अर्थ या समानार्थी होता है निराश, तो वह आपको कहाँ मिलेगा? आप ध्यान से देखिए, आपके पीले वाले चौखाने में जो तीसरे नंबर की लाइन है उसमें दाएं तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी जब हम आते हैं, देखिए, तो यहाँ पर हमें इस ओर से चलते हुए और इधर से आते, तो ये नी रा श, हमें यह शब्द यहाँ पर मिल जाता है बेटा। उसे हम वहां से ढूंढकर लिख लेते हैं। तत्पश्चात ग वाला शब्द दिया है शरीर। शरीर का समानार्थी हमें चौखाने में दिया गया है काया। अब यह आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल चौखाने के अंतिम सिरे पर, अंतिम वाली रेखा में देखिए काया दिया गया है, तो उसे भी हम यहाँ से चुनकर लिख लेते हैं। घ वाला शब्द हमें दिया गया है सबूत, सॉरी आकाश। आकाश का पर्यायवाची या समानार्थी हम सबको पता है, हमें जो शब्द पता है वो इस चौखाने में दिया है या नहीं। सबसे पहली रेखा में देखिए आ स म न, पूरा सीधी रेखा में दिया है सबसे पहले, तो आकाश का समानार्थी लिख दीजिए आसमान। अंग वाला शब्द देखिए सबूत। सबूत का समानार्थी होता है प्रमाण। यह शब्द भी आपको इस चौखाने में कहां पर मिलेगा? चौखाने को जब आप आड़े रूप में देखते हैं तो जो चौथे नंबर की रेखा है वहां पर द्वितीय वाली नीचे की तरफ जो लाइन होती है वहां पर आपको प्रमाण लिखा हुआ दिखाई देगा। अंतिम शब्द है बाल, और इसके लिए चौखाने के बिल्कुल आप जब बाएं से दाएं की तरफ जाते तो जो अंतिम रेखा है वहां लिखा है केश, वही उसका समानार्थी है। तो इस प्रकार यह हमारा पहला अभ्यास प्रश्न हो गया। अभ्यास प्रश्न दो हमें दिया गया है कि शब्द युग्म, कई बार भिन्न अर्थों वाले शब्दों को जोड़े में भी प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे जोड़े जो होते हैं वो शब्द युग्म कहलाते हैं, मतलब कोई ऐसे शब्द जो हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, जिनको सिंगल प्रयोग नहीं किया जाता है। वे शब्द या तो आपस में दोबारा दोहराए भी जाते हैं और कई बार एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, जैसे माता पिता, भाग दौड़, ये शब्द अधिकतर हमेशा युग्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं और उनका जो पेयर वाला शब्द है वो ऊपर एक रेखा में दे दिया है। अब हमें दिए गए शब्दों को उनके सही वाले शब्द युग्म के साथ में या जो पैर वाला वर्ड है उससे मैच करना है। जैसे पहला है लिखना, लिखना हमेशा पढ़ना के साथ होता है बेटा, पढ़ना, हमें लिखना पढ़ना चाहिए। फिर ख नंबर पर हमें दिया है भोला भाला, भोला दिया है और कोई भी व्यक्ति कैसा होता है? भोला भाला होता है। ग पर आपको एक शब्द दिया है सोच। जब भी इस शब्द का प्रयोग वाक्य में करते तो क्या कहते हैं? हमें कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए, मतलब पहले सोचो और फिर उस पर विचार करो। तो ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के साथी हैं, और इस तरह का जो शब्द होता है उसे हम लोग शब्द युग्म कहते हैं, मतलब जोड़े में आने वाले शब्द। फिर सुख, ये भी बहुत कम बार अकेला प्रयोग होता है। जो सुख दुख में साथ दे वही मित्र, यानी जहां सुख का जिक्र होता है वहां दुख का भी उल्लेख अवश्य होता है। जैसे जैसे कभी भी अकेला नहीं होता है, जैसे तैसे, जैसे ही मैं आया तैसे ही, या मैंने जैसे तैसे यह काम पूरा कर लिया। एक और दिया है काम, अपने काम पास से मतलब रखो, ये होता है साथी। शब्द युग्म में जब एक शब्द
उसके साथी वाले शब्द के बिना प्रयोग ना हो। तो आप जल्दी से इस कार्य को लिख लीजिए। अगला अभ्यास प्रश्न जो है हमारा, हमें शब्दों के लिंग लिखना है कि वह शब्द किस लिंग का है। कमजोर में
सिर्फ उपसर्ग आया है, लेकिन असत्यता, असत्यता जो शब्द है उसमें असत्यता, ये हो गया प्रत्यय, ये हो गया मुख्य शब्द और ये हो गया उपसर्ग। यानी इस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो इस शब्द पर गोल घेरा लगा दीजिए। बात समझ में आई बच्चों? जिस शब्द में उपसर्ग भी हो और जिस शब्द में प्रत्यय भी हो, हमें ऐसा वाला शब्द चुनना है। द्वितीय वाली लाइन में देखिए, मैं फिर पढ़ रही हूँ, सबल, सबल में स उपसर्ग है मगर सब धन ल प्रत्यय नहीं निकलता है। बुद्धि धन मत्ता प्रत्यय निकल रहा है, उपसर्ग नहीं निकल रहा। हाजिर जवाब, इसमें भी सिर्फ उपसर्ग निकल रहा है, प्रत्यय नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम लिखते हैं निर्बलता, तो निर जो होता है वो उपसर्ग होता है और ता जो है वह प्रत्यय है। यानी यह मुख्य शब्द है बेटा, बल के साथ में निर उपसर्ग लगाया प्लस ता प्रत्यय लगाया और पूरा शब्द क्या बना हमारा, निर्बलता। गा वाला देखिए बेटा, केंद्र बिंदु या तो उपसर्ग है या तो प्रत्यय है। सवाल, वाल में स लगाया तो दोनों चीज नहीं है। दरबार में ई लगाया प्रत्यय तो दरबारी बना पर उपसर्ग नहीं है। लेकिन अपमानित, अपमा अपमानित में देखिए बेटा, अप उपसर्ग है और इत जो होता है ये प्रत्यय होता है और मुख्य शब्द होता है मान। अगर इत नहीं लगाए तो अप धन मान अपमान हो जाता है, मान धन इत लगाओ तो मानित हो जाता है। तो हमारा यह शब्द कैसा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तत्पश्चात चौथे वाले वाक्य में आपको फिर चार शब्द दिए हैं जिसमें से हमें पुनः उपसर्ग और प्रत्यय दोनों वाला शब्द चुनना है। जैसे पहरे दार, तो उसमें सिर्फ दार प्रत्यय आया है। आसान, तो सिर्फ उपसर्ग आया है। साबित, इसमें इत है लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय दोनों सिर्फ किसमें है, अशुद्धता, ये उपसर्ग ये प्रत्यय ये मूल शब्द। तो इस तरह हमारा शब्द कौन सा सही है, अशुद्धता, इसलिए हम अशुद्धता शब्द पर गोल घेरा लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न पांच। अभ्यास प्रश्न पांच में देखिए बेटा, हमें कुछ शब्द वाक्य दिए हैं और उसमें कुछ एक एक शब्द रंगीन दिए हैं। हमें उस रंगीन शब्द को ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि वाक्य के अंदर भाषा के या व्याकरण के हिसाब से वो व्याकरण का कौन सा भेद है। जैसे बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवाया तो बादशाह जो है वो कौन हो गए, संज्ञा हो गई। और वो भी कैसी संज्ञा है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है, आपके पास क्या सबूत है, आपके शब्द नीले रंग से है, आपके जो है वो सर्वनाम हो गया है। ग वाला वाक्य देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन बुद्धिमान थे, बुद्धिमान शब्द जो है वह विशेषण है क्योंकि वह मुल्ला नसरुद्दीन की विशेषता बता रहा है। तो बुद्धिमान कैसा हो गया बेटा, विशेषण हो गया है। घर वाला वाक्य देखिए, उनकी हाजिर जवाबी कमाल की थी। चूंकि यहाँ पर भी उनके मतलब सर्वनाम के साथ में विशेषता आई है तो हाजिर जवाबी क्या हो गई बेटा, विशेषण हो गया है।
विद्वान कौन हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आप चाहें तो इसे याद रखने के लिए इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर आपका छ वाला जो है बेटा, उन्होंने गधे के दोनों ओर अपनी लाठी घुमाई। घुमाई शब्द नीले रंग में है, क्योंकि लाठी को घुमाने का काम किया है, इसलिए वह शब्द क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया है। तो इस तरह हमने उन नीले रंग के शब्दों के भेद लिख दिए हैं। आप भी जल्दी से इस कार्य को अपनी पुस्तक में कर लीजिए। मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।